नमस्कार, मैं यशपाल कंचन और आप देख रहे हैं कंचन टीवी। जैसे कि मैंने बताया था, बच्चन सिंह आर्य के मंच पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। उन्हीं एक नेताओं की कतार में से एक नेता है हमारे जसमेर राजाणा जी, उनसे भी हम बात करेंगे। जानना चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या यहाँ पर होने वाला है। सर, स्वागत है आपका। जी, स्वागत है कंचन टीवी का भी यहाँ रैली स्थल पर पहुँचने पर। जी, जानना चाहेंगे आपसे, कार्यक्रम आज मनोहर लाल खट्टर जी का जन आशीर्वाद यात्रा उनकी रही थी, क्या वहाँ पर कोई कसर छूट गई थी जो अब उनको हर हलके में खुद स्वयं जाना पड़ रहा है? बात कसर छूटने वाली नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जन आशीर्वाद यात्रा एक चुनाव से पहले का कार्यक्रम था। आज ये चुनावी सभा चल रही है, जिसके तहत माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चुनावी सभा करने जा रहे हैं और उसी के तहत आज सभी दो विधानसभा में भी पहुँच रहे हैं। क्या साधने का मन बनाया है इन चुनावी सभाओं से? क्या वोटरों को लुभाने की है या अपनी जो उन्होंने कार्य किए हैं 5 साल में वो बताने का काम वो करने वाले? साधने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा है कि पिछले 5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने एक अच्छा सुशासन दिया है हरियाणा प्रदेश में। और बात करें सफीदो विधानसभा की, जिस प्रकार से यहाँ एक निर्दलीय विधायक थे, निर्दलीय विधायक के होते हुए भी यहाँ 550 करोड़ के लगभग विकास कार्य कराने का काम किया, चाहे पीने के पानी की बात थी या सड़कों की बात थी और खेतों की पटड़ियों की बात थी, किसी भी बात को लेकर चलें तो एक बहुत ज़्यादा विकास सफीदो विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 5 वर्ष में करने का काम किया। सफीदो विधानसभा में विकास किया गया, लेकिन अगर कुछ एक चेहरे छोड़ दिया जाए, जसमेर राजाणा को छोड़ दिया जाए, कलीराम पटवारी को छोड़ दिया जाए, तो बड़े बड़े चेहरे नदारद रहते थे कार्यक्रमों में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखोगे कि आज आपको सभी यहाँ मिलेंगे और वैसे भी सब अपने अपने ढंग से प्रचार करने के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात। धन्यवाद। कोई भी यहाँ पर नाराज नहीं है, सभी चेहरे यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ देर में। बड़े बड़े चेहरे तो हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे, कौन से चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं, कौन से चेहरे आज भी नदारद रहते हैं। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी कपूर के साथ मैं यशपाल कंचन। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।